इलाज से लेकर शिक्षा तक 75 दिव्यांग बच्चों के पिता बनकर उनका ख्याल रखते हैं अनिल। आज दिव्यांग बच्चों के लिए आश्रय नाम की संस्था चला रहे आगरा के अनिल जोसेफ को बहुत छोटी सी उम्र से ही पता था कि उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जीना है। अनिल बताते हैं कि उस महिला के परिवार वाले उनके बच्चे की इस हालत के लिए माँ को ही दोष देते हैं, यहाँ तक कि उनके पति भी उन्हें छोड़ने की धमकी देते रहते हैं। अनिल ने सोचा कि इन सब में इस मासूम बच्चे की क्या गलती है। अनिल ने उस बच्चे को आश्रय देने का फैसला किया और किराए पर एक कमरा लेकर काम शुरू किया। समय के साथ उनके इस प्रयास की कहानी दूसरे लोगों तक पहुंची और एक के बाद एक ऐसे कई दिव्यांग बच्चे उनके साथ रहने आने लगे। आखिरकार साल 2005 में अनिल ने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक संस्था बनाई। उन्होंने दिव्यांग बच्चों की मानसिक और शारीरिक हालत पर काम करना शुरू किया। अपने इस घर का नाम उन्होंने आश्रय रखा। आज उनके इस आश्रय में 75 दिव्यांग बच्चे रहते हैं।